हरे कृष्णा। रंगों के त्यौहार होली की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ फूडी गोपाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। होली के त्यौहार पर हर घर में तरह तरह की नमकीन और मिठाइयाँ बनाई जाती हैं, जिसमें से सबसे स्पेशल मिठाई है गुजिया, जो कि सबको बहुत ही पसंद होती है। आज हम आपके साथ गुजिया बनाने की एक बहुत ही आसान रेसिपी शेयर कर रहे हैं, जिसकी हेल्प से आप भी अपने घर में स्वादिष्ट गुजिया बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिलें। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। फ्रेंड्स, गुजिया बनाने के लिए हमने इंग्रेडिएंट्स में लिया है नारियल कद्दूकस करा है हमने, ये ड्राई वाला नारियल है, इसको हमने कद्दूकस किया है। और कद्दूकस करने के बाद मैंने इसको थोड़ा मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है ताकि ये बारीक हो जाए। और ये है हमारी किशमिश, इसको भी हमने दो भाग में काट लिया है। ये है खोया, इसको हमने घर में ही बनाया है गुजिया की फिलिंग के लिए। और यह है चिरौंजी, और ये हमने एक कटोरी देसी खांड ली है। और ये बारीक कटा हुआ बादाम, और ये है 100 ग्राम मैदा। सबसे पहले हम मैदे का डो तैयार करेंगे। मैदे का डो तैयार करने के लिए हमने गुनगुना पानी लिया है, और साथ ही इसमें मोइन के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 2 सर्विंग स्पून ऑयल और एक चुटकी नमक। डो को तैयार कर लेते हैं। अब हम इसमें हम मोइन को डालेंगे। जो हमने मोइन लिया है इसको हमें मैदे में अच्छे से मिक्स करना है, और अपने हाथ से इसकी एक मुट्ठी बनाकर देखनी है इस तरह से। जब ये हमारी मुट्ठी में मैदा थोड़ा सा इकट्ठा होने लगता है तो इसका मतलब है कि हमारा जो हमने मोइन डाला है उसकी जो क्वांटिटी है वो हमारा मेजरमेंट बिल्कुल सही है। और इसके बाद हम डाल रहे हैं एक चुटकी नमक, और अब मैं गुनगुने पानी से इसको धीरे धीरे गूंदूंगी। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे हम इसमें। हमें इस डो को जो तैयार करना है उसको हमें पूड़ी के आटे से थोड़ा टाइट तैयार करना है। हमें इसको नॉर्मल आटे की तरह नहीं बनाना है, जितना हम पूड़ी का आटा बनाते हैं उससे थोड़ा टाइट हम इस डो को तैयार करेंगे। बहुत ही कम पानी हमें इसमें डालना है, साथ साथ डालते रहेंगे। थोड़ा सा मैंने पानी इसमें डाला है, थोड़ा इकट्ठा हो गया ये। थोड़ा सा ही पानी मैं इसमें और डालूंगी, 2 चम्मच के करीब पानी मैं इसमें और ले रही हूँ। ये मैदा हमारा थोड़ा इकट्ठा होने लग गया है 5 मिनट के लिए। अब हम इस डो को, ये डो हमारा रेडी हो गया है, लेकिन अभी हमें इसको स्मूथ करने के लिए 5 मिनट के लिए हम इसको ढक लगा कर रख देंगे। मैदे का हमने जो रफ डो तैयार करके रखा था, 5-10 मिनट बाद हम इसको थोड़ा सा और गूंथ लेंगे और इसको तैयार कर लेंगे गुजिया बनाने के लिए। इसको हमें थोड़ा स्मूथ करना है। अब हमें इसमें पानी नहीं लगाना है, ये काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है। मैदे को थोड़ा फ्लैट करके हम इसके इक्वल लोई निकाल लेंगे, चाकू की हेल्प से काट लेंगे इसको हम। ऐसा करने से लोई का साइज़ हमारा इक्वल आएगा, हमारी सारी गुजिया का साइज़ जो है वो एक ही बनेगा। मार्केट में गुजिया बनाने के लिए सांचे मिलते हैं, उन्हीं की हेल्प से मैं इसको बनाऊंगी। जो हमने ये कटिंग करके पीसेस निकाले हैं इनको थोड़ा दबा के गोल गोल हम इसको करके इसमें लोई तैयार करके रख देंगे ताकि हमारी गुजिया का साइज़ एक सा बने। अब हम गुजिया की फिलिंग तैयार करेंगे। गुजिया के लिए हमने जो बारीक बादामों को काटा है उसके लिए मैं यहाँ पर इसमें थोड़ा सा घी डाल रही हूँ। उनको थोड़ा सा हम रोस्ट कर लेंगे इस घी में। रोस्ट करने के बाद इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसलिए मैं इनको रोस्ट करके डाल रही हूँ। बादाम के साथ ही मैं चिरौंजी भी रोस्ट कर लूँगी। हमें इनको हल्का सा ही रोस्ट करना है। अब मैं इसकी फ्लेम को बंद कर रही हूँ, ये रोस्ट हो चुके हैं। रोस्ट करा हुआ बादाम और चिरौंजी गुजिया की फिलिंग में बहुत क्रंची लगते हैं। अब हमने ये बड़ा बाउल लिया है, इस बाउल में हम ये खोया डाल देंगे। इसमें हम सारे ड्राई फ्रूट्स और जो हमने देसी खांड ली है उसको मिक्स करेंगे। फिलिंग तैयार कर रहे हैं अब हम ये इसके। चिरौंजी और बादाम भी ठंडा हो चुका है, इसको हम अपने हिसाब से इसमें डाल देंगे जितना हमें चाहिए। मैं यहाँ पर ये 3 चम्मच मैंने इसमें मिक्स किया है, अगर मुझे कम लगेगा तो फिर मैं इसमें और डाल दूंगी। और ये किशमिश, आप अपने स्वाद के अनुसार ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं इसमें। और 2-3 चम्मच ही मैं इसमें नारियल पाउडर डाल रही हूँ। 3 चम्मच नारियल पाउडर मैं इसमें डाल रही हूँ, और इसको बहुत अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें जो देसी खांड हमने ली थी वो भी इसमें हम मिक्स कर देंगे। आप मीठा अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और जब हम ये गुजिया का मिक्सचर तैयार कर रहे हैं तो ये मिक्सचर हमारा जो बच जाता है उसको हम एक एयर टाइट जार में फ्रीजर में रखकर 1 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। गुजिया बनाने के लिए हमारा ये खोए और सारे ड्राई फ्रूट्स का मिक्सचर बिल्कुल तैयार है, और अब हम शुरू करते हैं गुजिया बनाने। गुजिया बनाने के लिए मार्केट में ये
सांचे, बर्तन वाली शॉप्स पर और ग्रोसरी स्टोर्स पर बहुत आसानी से और बहुत ही कम रेट पर मिल जाते हैं। सबसे पहले हम लोई को इस तरह से बेल लेंगे और इस सांचे को हम थोड़ा सा इससे ऑयल से ग्रीस करेंगे। ग्रीस करने के बाद हमने जो लोई को बेला है इसको हम इसमें इस तरह से लगाएंगे, इसको प्रॉपर साइज में ऐसे इसको फैला देंगे, इसमें रख देंगे और इसके अंदर हम करेंगे फिलिंग। पानी उंगलियों में डिप करके साइड में हम थोड़ा सा पानी लगा देंगे, इससे ये चिपक जाएगी। पानी लगाने के बाद हम इसको इस तरह से बंद करेंगे और जो एक्स्ट्रा मैदा आ रहा है ये, इस एक्स्ट्रा मैदे को हम बाहर से अपने हाथ से निकाल लेंगे अलग से और इसको खूब अच्छे से दबा देंगे। दबाने के बाद हम इसको खोलेंगे और इसको, ये हमारी हो गई गुजिया तैयार। ये देखिए, जितनी बार हमें गुजिया बनानी है उतनी ही बार हमें इस सांचे को ग्रीस करना है, नहीं तो ये गुजिया जब हमारी बनकर निकलेगी तो वो इसमें चिपक जाएगी। आप देख सकते हैं गुजिया हमारी बहुत बढ़िया बनी है। अभी हमें इनको फ्राई करना है। गैस पर हमने कढ़ाई को रख दिया है, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। आप मस्टर्ड ऑयल को छोड़कर अपने घर में जो भी वेजिटेबल ऑयल यूज़ करते हैं जिसमें कि किसी तरह की कोई स्मेल ना हो, उसमें इनको फ्राई कर सकते हैं। कढ़ाई के स्पेस के अनुसार हम इसमें गुजिया को डालेंगे। पहले हमें ऑयल को गर्म करना है और जब हमें गुजिया को डालना है तो हमें गैस की फ्लेम को लो रखना है और लो फ्लेम पर ही हमें उनको फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए जब हम ऑयल में गुजिया डालते हैं तो हमें उनको तुरंत नहीं हिलाना है। अगर हम उनको तभी के तभी हिलाने लग जाते हैं तो हमारी गुजिया फटने का डर रहता है, उससे हमारा ऑयल भी ख़राब हो जाता है पूरा और गुजिया अच्छे से सिकती भी नहीं है। धीरे धीरे हम इनको पलटेंगे। एक साइड से हमारी गुजिया थोड़ी सिक चुकी हैं। गुजिया को हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर ही सेकना है, फ्लेम को हमें तेज बिल्कुल भी नहीं करना है। आप देख रहे हैं हमारी गुजिया सिक रही है बहुत अच्छे से, काफी अच्छा इनका कलर आ चुका है। कोई भी गुजिया हमारी फटी नहीं है, ऑयल हमारा बिल्कुल क्लियर है, आप देख सकते हैं। गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इनको सेकना है। मार्केट में जो गुजिया मिलती हैं उसमें उन्होंने चाशनी में उसको डाला हुआ होता है तो उससे वो बहुत हैवी हो जाती हैं। और ये लीजिए, बहुत ही खस्ता, नरम और लाजवाब हमारी ये गुजिया बनकर तैयार हैं। आप इन गुजिया को एयरटाइट जार में रखकर लगभग 10 दिन तक इसका स्वाद ले सकते हैं।